هالشخص أصلاً
और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इलाज और मदद से फरमा। अगले दिन सुबह अब्राहम ने अपनी फौज मक्के तक लेकर पहुंचने की कोशिश की कि एक दामाद ने उनको बहुत से परिंदे दिखाई दिए और वो नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड जिनके जोड़ और पंजों में तीन तीन कंकर लिया गया समंदर के जाने से हरम काबा की तरफ आने लगे जिन्हें अब अबाबील कहा जाता है। अबाबीलों के लश्करों ने अब्राहम की फौज पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आज के आज में अब्राहम के लश्कर के पक्ष हो गए। अबाबीलों की संगबारी खुदा ने पहाड़ों के पर ऐसी मार थी कि जब कोई कंकड़ी किसी हाथी सवार के पर पड़ती तो उस आदमी के बदन को छेदते हुए हाथी के बदन को पार हो जाती। अब्राहम की फौज का एक आदमी भी जिंदा न बचा और सबके साथ अब्राहम और उसके लश्कर समेत इस तरह हालात को बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की गुर्दे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में बिखर गए। चुनाचे खुदा ने कुदूस ने इस वाकये को सुराफील में इस तरह बयान फरमाया है कि आप भी समझ सकते हैं। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيف يعني دكا हमारे जब ने क्या किया अपने वालों के साथ। ألم يجعل كيدهم في تسليم क्या उनके मक्र को बेकार नहीं कर दिया। وأرسل عليهم طيرا أبابيل और उनको परिंदों ने झुंड छोड़े जो उन्होंने मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। जिससे वो खाए में भूसे की तरह हो गए। चुना हजरात ग्रामी जब अब्राहम और उसके लश्कर का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब साहब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनके इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहलो अरब उनके खुदा रसीदा बुजुर्ग के हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगा।